stop changing here. But relaxation time decreases with temperature. रिलैक्सेशन टाइम जो हमारे पास टॉ होता है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाता है. तो जैसे हमने ऊपर भी लिख रखा है कि जो टॉ है हमारे पास दिस डिक्रीजेस विद टाइम. टॉ डिक्रीजेस विद टाइम, जिससे टॉ है ये टाइम के साथ फॉल कर जाता है. और इससे क्या होता है, जो रो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है. और ये दोनों ग्राफ्स हैं हमारे पास, आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी तरह से ये रो की वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है. और दिस वॉज फॉर कॉपर. कॉपर के लिए जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल है, इट इंक्रीजेस, आप इसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं. और इसके लिए जो नाइक्रोम के लिए ग्राफ है, इट इज लीनियर वेरिएशन. वेरिएशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज लीनियर. एक और बात इसमें यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो रेजिस्टिविटी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. जो हमारे पास रो है, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. सो वी हैव कॉल्ड दिस रो. रो इज प्रॉपर्टी of material. जो R है, this is property of object. ये object की property. और इसके आगे हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. जो हमारे पास इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, दैट द वैल्यू ऑफ एन टी, जो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. कैसे, एन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. जो हमारे पास इंसुलेटर्स में तो बहुत कम होती है, जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनमें 10^8 to 10^10 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं. और जो कंडक्टर होता है इसमें 10^29 होते हैं. तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एन की वैल्यू इंक्रीज करती है और टॉ की वैल्यू डिक्रीज करती है. लेकिन जो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन डोमिनेट्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टॉ, और जो प्रोडक्ट है ये दोनों की वैल्यू इंक्रीज कर देती है. तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मच लार्जर देन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टॉ. तो उससे क्या होता है, हमारे पास रो की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है. जैसे ये देखो, हमारे पास मैंगानीन इन्होंने फर्स्ट लिया तो उसकी रो की वैल्यू टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है. देन वी हैव गॉट सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. उसमें क्या होता है कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर. इट इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्सेस. यदि कॉन्स्टेंट रही है तो यदि क्योंकि टेम्परेचर के नाल रेजिस्टिविटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रही है, इट इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्सेस. द रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद राइज इन टेम्परेचर. रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर ई जी डिवाइडेड बाय के बी टी. ई जी इज बैंड गैप, ई जी सबसे पहले बैंड गैप एनर्जी है, के बी इज बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट. रो इज इक्वल टू रो नॉट 1+α के माइनस टी का ए आ गया सबसे पहले. तो मटेरियल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सम इलेक्ट्रिकल मटीरियल विद टेम्परेचर. फर्स्ट इज मेटल्स. मेटल्स के केस में टेम्परेचर ऑफ
इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नेगेटिव है, आयोनाइज्ड गैसेस के बीच भी नेगेटिव है, अलॉयज के बीच स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू एंड ऑलमोस्ट मास्ट। तो ये हम एक बार एक्सपोनेंशियल वैल्यू जिन्हें आ इंक्रीज कर रही है साढ़े को आहा फॉर्मूला लीनियर फॉर्मूला उत्ते असीं रेजिस्टेंस का भी यूज किया। तो यह जरा साढ़े को फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज रो रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ ਰੋ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਰੋ ਨੋਟ ਅਲਫਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਨੋਟ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਰੋ ਨੋਟ t minus t naught. This implies alpha is equal to rho minus rho naught divided by rho minus rho naught divided by rho naught into t minus t naught, and then non-ohmic devices or limitation of Ohm's law. जो Ohm's law है हमारे पास, this says that V is equal to IR. by I is equal to R. जो हमारे पास V और I का ग्राफ है, अगर मैं V को यहां पे X एक्सिस के अलॉन्ग ले लू और I को मैं Y एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करता हूं, तो V और I का ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और अगर V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो डिवाइस हमारे पास नॉन ओहमिक हो जाता है। Here R is constant and is known as resistance. All the devices which follow Ohm's law are called ohmic devices. The graph between V and I is a straight line. Then we have got non-ohmic devices. These are the devices whose graph between V and I is not a straight line. This means the graph between V and I is non-linear. जैसे ये graph है हमारे पास, it is a straight line, और ये हमारे पास graph non-linear है। और V ग्राफ इस तरफ है, I इस तरफ है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियली हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और इसको हमने यहां पे ऐसे डिक्रीज कर दिया। तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर का ग्राफ है और ये थर्मिस्टर का ग्राफ है। ये एक्सपोनेंशियली फर्स्ट इंक्रीज करता है, फिर इस पर प्लेटिव आ जाता है, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीज लाइक दिस। ठीक है, तो डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स ग्राफ बिटवीन वी एंड आई फॉर ए सेमीकंडक्टर एंड डायग्राम सी रिप्रेजेंट्स ग्राफ फॉर ए सेमीकंडक्टर अलॉय गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर साढ़े को हिंदा इट्स ए डिवाइस हूज रेजिस्टिविटी चेंजेस रैपिडली विद टेम्परेचर। The temperature coefficient of thermistor has positive as well as
यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसिटिव स्विच, जिस तरह अपने गीजर्स के विच स्विचेस यूज होते हैं। उस तो बाद साडे कोल आ गया सुपर कंडक्टिविटी। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल बिकम्स जीरो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड मटीरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मर्करी इज 2.4 K एंड फॉर लेड इट इज 7.4 K। तो ये सबकी जरूरत नहीं है। तो ये साढ़े को होंगे कि आ एक ग्राफ नोट करो, ये जो सा ग्राफ है टेम्परेचर टी सी तक आी सी टेम्परेचर है, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर तो थले एनी पार्ट के वी हैव गॉट सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर। जिहड़ा साडे कोल ग्राफ का ए वाला हिस्सा है, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ is super conductive. ये साडे कोले सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर है। जिहड़ा आ हैगा ये सुपर कंडक्टर दी ही साडे कोले केड़ी स्टेट आ गई, दिस इज नॉर्मल स्टेट ऑफ द सुपर कंडक्टर। नॉर्मल स्टेट। और इस तो बाद साडे कोले एस पार्ट दे विच क्रिटिकल टेम्परेचर तो जो ज्यादा टेम्परेचर होंगे, दिस इज नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट दे विच साडे कोले मेटल्स जिहड़ियां ने पैरामैग्नेटिक दे तौर ते बिहेव करदे हैं, एथे दे आर बिहेविंग लाइक डायमैग्नेट्स। दे आर बिहेविंग लाइक डायमैग्नेट्स। डायमैग्नेट्स की होंदा जिन्हां दे विचों मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ, जिवें हुण इत्थे सीगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करदियां ने, असीं इहनूं ठंडा करदे गए कूल करदे गए, ते टी सी टैंपरेचर जिहड़ा साडे कोले क्रिटिकल टैंपरेचर है, उस टेम्परेचर जो असीं थले गए तो मैगनैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इहदे बाहर भी पास होण लग गए। तो जिहड़ी ए स्टेज है, इस स्टेज नूं असीं जिहड़ा हैगा अपना सुपर कंडक्टिंग स्टेज कहने हैं, जिहड़ी साडे कोले आ है। और इहनूं दुबारा समझो, क्रिटिकल टैंपरेचर तो थले वी हैव गॉट सुपर कंडक्टर, क्रिटिकल टैंपरेचर ट्रांजिशन टैंपरेचर, इहदे तो उत्ते साडे कोले वी हैव गॉट नॉर्मल स्टेट, जिहड़ी आ साडे कोले नॉर्मल कंडक्टर दी स्टेट होंदी है। हुण साडे कोले नैक्सट इंपॉर्टेंट इशू आंदा है, इन द मार्केट ऑफ कमर्शियल रजिस्टर्स साडे कोले कार्बन रजिस्टर होंदे है। ये हर एक रजिस्टर के ऊपर हमारे पास एक कोड होता है, हर एक रजिस्टर के ऊपर हमारे पास एक कोड होता है, और जो वो रजिस्टर है उस कोड से हमें उस रजिस्टर की वैल्यू मालूम पड़ जाती है। तो जो हमारे पास वो वैल्यू मालूम पड़ जाती है, उससे हमें जो कोड होता है उससे वी कैन रीड द वैल्यू, और कोड इसके ऊपर प्रिंटेड होता है। तो ये हमारे पास कलर्स है, स्ट्रिप ए, स्ट्रिप बी, स्ट्रिप सी और स्ट्रिप डी। और जो स्ट्रिप ए और जो बी होती है, ये फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट करती है और सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करती है। सी जो है ये 10^10 रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट टू स्ट्रिप्स ब्राउन हो जाए, जैसे आप इसको देखो कि ये तीनों ही से ऑरेंज हो जाए, सपोज करो कि मेरे
ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3 ਨੰਬਰ 3 ਦੂਜੀ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 3 ਇੰਟੂ 10 ਡੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 33 ਇੰਟੂ 10 ਡੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਓਮਸ ਇਸਕੀ ਹਮਾਰੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ तो अब आपको ये कलर कोड यू विल हैव टू रिमेंबर दिस कलर कोड यूज फॉर कार्बन क्रिस्टल द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फाउंड टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प जैसे कैसे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वीरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस तो एक ये हमारे पास बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये है फर्स्ट डिजिट बी वाला सेकंड डिजिट सी वाला थर्ड डिजिट और ये हमारे पास टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन द सिस्टम ऑफ कलर कोडिंग स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिवन ऑन द बॉडी ऑफ रेजिस्टर द कलर्स ऑन द स्ट्रिप आर नोटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कलर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप ए कलर ऑफ द सेकेंड स्ट्रिप बी The color of the third strip C, the color of the fourth strip R indicates tolerance limit of resistance value or percentage accuracy of resistance. तो ये हमारे पास percentage accuracy को represent करती है। और जो हमारे पास gold, silver और no color, tolerance का मतलब होता है कि value कितनी कम या ज्यादा हो सकती है। तो gold में gold की वैसे value 10 raised to power minus 1 होती है। सिल्वर की 10 डेज टू पावर माइनस 2 और ये प्लस माइनस 5% प्लस माइनस 10% प्लस माइनस 20% तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई और इसमें से हम अगर एक एग्जांपल लें तो मैं यहां पे आपको एक कलर कोड बना दूंगा अभी तो इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये 3 स्ट्रिप्स हैं जैसे ये येलो है तो फर्स्ट स्ट्रिप जो हमारे पास है जो फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास है येलो उसके बाद हमारे पास 2 ब्लू स्ट्रिप्स हैं और नेक्स्ट है सिल्वर और येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर हमारे पास क्या है 4 और ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है तो ये हमारे पास आ गया दिस इज 4 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 10 रेज टू पावर 6 और जो सिल्वर है हमारे पास ये प्लस माइनस 10% तो प्लस माइनस 10% इसके टॉलरेंस की वैल्यू हमने सॉल्व कर एंड नाउ अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ये हमारे पास एक तो मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं फर्स्ट इज ऑरेंज ऑरेंज के लिए हमारे पास 3 है रेड के लिए हमारे पास 2 है और जो सिल्वर है इसके लिए हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 2 है प्लस माइनस जो गोल्ड है इसके लिए प्लस माइनस 5 हो जाएगा तो डोंट वरी बस हम तो लग रहे थे रेजिस्टेंस सीरीज की होता है असि ना एंड टू एंड ज्वाइन कर रखे होंगे रेजिस्टेंस ठीक है ना इसमें क्या होता है सेम करंट फ्लोस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सेम करंट फ्लोस थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल बैटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इसमें हमारे पास क्या हो रहा है इसमें सीधी सी बात
आई जा रहा है एंड सेम करंट इज फ्लोइंग. तो इसमें हमारे पास क्या है कि आई इज सेम. तो दिस इज आई, आई सेम, सेम आई. तो इट इज क्लियर दैट आई इज सेम. जो वी है हमारे पास दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. This is distributed. And this is Vn. ठीक है. तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या कहता है यहां पे देखो. ओम्स लॉ से दैट वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, V2 is equal to I R2, proceeding like this. Vn is I Rn. और जो V हमारे पास है दिस इज I R. तो इसमें we have got V is equal to V1 plus V2 plus proceeding like this plus Vn. We have got I R is equal to I R1 plus I R2 plus proceeding like this plus I R n. This implies I R I R 1 plus R 2 plus proceeding like this plus R n. So this I cancels with this. तो ये हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस प्रोसीडिंग लाइक दिस प्लस R. तो रेजिस्टेंस सीरीज में सीधी ऐड हो जाती है. और इस केस में क्या है, ये सीरीज का अलग अलग हमने फॉर्मूला शो कर रखा है. ये सर्किट है, अगर तीन हो तो ऐसे हो जाता है. और अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, दैट इज v बाय n. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. इसमें अब क्या हो रहा है, ये करंट I है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3. इसमें द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी डूइंग इन दिस इज हमारे पास फर्स्ट इज I V सेम. सीरीज में कौन सा सेम था, आई. और आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि टोटल करंट इज सम ऑफ आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. तो इसमें हमारे पास क्या है, यहां पे वी हैव गॉट बी इज इक्वल टू आई आर. तो ये क्या इंप्लाई करता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर ऑन द सेम लाइंस. आई वन क्या होगा, वी सेम.
टू क्या होगा, वी बाय आर टू, और आई थ्री क्या होगा, दिस इज वी बाय आर टू। जो ये हमारे पास इतनी जो सारी इक्वेशन है, आई शैल बी राइटिंग इट एज इक्वेशन नंबर वन, और जो ये है आई शैल बी राइटिंग इट एज इक्वेशन नंबर टू। तो इसमें अगर नाउ इफ आई फिल द वैल्यू, तो वी नो दैट I is equal to I1 plus I2 plus I3। तो इसमें जो I है, I की वैल्यू है V by R, this is equal to V1 by R1, V1 नहीं आएगा क्योंकि V सेम है, तो this is V by R2, this is V by R3। तो इसमें जो V है वो हमारा कैंसल आउट होना शुरू हो जाएगा, तो दिस V विल गेट कैंसल आउट, तो दिस विल बी 1 बाय R, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अब इसके कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं, ये हम कल करेंगे। तो विद दिस आई फिनिश।